श्रीमद् भागवत महापुराण से ज्ञानार्जन करा रहे हैं। कहने लगे हैं राजन, दिनों दिन मुरलीधर कन्हैया का सितारा चंद होता चला जा रहा है, मथुरा नरेश भोज राज कंस का सितारा मंद होता चला जा रहा है। मुरलीधर अन्य लीलाएं कर रहे हैं वृंदावन में रह करके। नीच कंस ने बड़े उपाय किए, कन्हैया मारा जाए, कन्हैया मरे, लेकिन कंस के सारे उपाय निरर्थक हुए हैं, कोई भी उपाय उसका कामयाब नहीं हुआ है। न जाने कितने वीर उसने भेजे कि भाई नंद का छोरा मारा जाए, लेकिन जो वीर गया वो वापस नहीं आया। किसी ने आके ये नहीं बताया कंस को, कन्हैया गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, कैसा है। इस बात से भोजराज कंस बहुत उदास रहता है, बड़ा उदास रहता है। एक दिन की बात, कंस बैठा है अपने दरबार में, सोच रहा था एक दिन, सोच रहा था दरबार में कि क्या करें, कैसे कंस मारा, कन्हैया मारा जाए। मैंने जो भी वीर भेजे हैं कोई हमारे पास वापस लौट के नहीं आया, किसी ने कन्हैया के बारे में हमें कुछ नहीं बता पाया। इसी बीच में नारद बाबा नारायण नारायण करते हुए कंस के दरबार में आए हैं। कंस ने देखा ऋषिवर का पदार्पण हो रहा है, तो सिंहासन से उठा है, नारद बाबा को प्रणाम करता है, प्रणाम करके सिंहासन पर बैठाता है। नारद जी ने कंस से कहा, राजन तुम्हारा ये चेहरा मुरझाया मुरझाया, तुम तो बहुत टूट गए हो भाई। पहले जब मुलाकात तुमसे हुई थी तो तुम ठीक ठाक थे, आवाज ये शरीर तुम्हारा। नारद ने कहा, अरे बोले राजन दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के, दिन है बसंत के खिलने के, पर कली सिकुड़ती जाती है। तो तंदुरुस्त होना चाहिए था पहले से, क्योंकि आप राजा हैं, आपके पास में बहुत सारा धन है, बड़ी सेना है, हर तरीके से आपके घर चंगी है, और आपकी ये दशा का ये शरीर। नारद ने कहा, अरे घर हर चंगी लाखों हैं संगी, ऐसी कौन मुसीबत आ गई, अरे ऐसी कौन सी समस्या आ गई, अरे ऐसी कौन मुसीबत आ गई जो सकल सकल मुरझा गई, जो सकल सकल मुरझा गई, जो सकल सकल मुरझा गई। अरे घर हर चंगी लाखों है संगी, हर हर चंगी लाखों है संगी, ऐसी कौन मुसीबत आ गई जो सकल सकल मुरझा गई, जो सकल सकल मुरझा गई, जो सकल सकल मुरझा गई।
नारद ने कहा, चिंता हो किसी छिपे रूप की तो धावा करो हरा डालो, यदि अंदर हो कुछ रोग दोष तो कोई दवा करा डालो। भाई तुम तो बहुत टूट चुके हो। कंस ने कहा, ऋषिवर क्या बताएं, क्या बताएं अपने दिल का हाल, आप जानते हैं, आप जानते हैं जो गोकुल में नंद का छोकरा है ना, नंद तो बहुत सीधा साधा था, गौओं को चरा के गौओं के सहारे जीवन यापन करता था, लेकिन जब से नंद का छोकरा तैयार हुआ है नंद के भाव बढ़ गए, नंद के भाव बढ़ गए। अरे वो छोड़ गया है गोकुल को सारा मौजा बर्बाद किया, छोड़ गया है गोकुल को सारा मौजा बर्बाद किया, वो छोड़ गया है गोकुल को सारा मौजा बर्बाद किया, वो छोड़ गया है गोकुल को सारा मौजा बर्बाद किया। देखो अहीर की आदत को, अरे देखो अहीर की आदत को, अब वृंदावन आ पात किया, देखो अहीर की आदत को, अब वृंदावन आ पात किया, देखो अहीर की आदत को, अब वृंदावन आ पात किया। उस नंद ने गोकुल को छोड़ के वृंदावन को आबाद किया है, सारे गोकुल वाले वृंदावन में जाके रहने लगे हैं, सारे गोकुल वाले वृंदावन जाके रहने लगे हैं। उसी के छोकरे ने हमें हैरान कर रखा है, उसके लड़के का सभी लोग यश और पराक्रम गाते हैं, है वही काल मेरा ऋषिवर, है वही काल मेरा ऋषिवर, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, है वही काल मेरा ऋषिवर, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, नारद जी मुस्कुराने लगे। अच्छा तो तुम नंद के छोकरे को लेके इतना हैरान हो रहे हो, रे वो तुम्हारा काल है, नंद के छोकरे को मारना तो गुड़ियों का खेल है, चुटकी से मसल जाएगा वो, जाने कहा तुम्हारा दिमाग है, हा? उस एक छोकरे को लेके तुम इतना परेशान, दिमाग क्या नहीं लगा है। कहने लगे नारद जी, छोड़ो राजन खेद ये, खोलो फिर से जेल, छोड़ो राजन खेद ये, खोलो फिर से जेल, और तुम्हें कृष्ण को मारना है गुड़ियों का खेल, कहा तुम एक पत्र तैयार करो, पत्र भेज दो नंद के पास में, कालिदास से कमल के पुष्प मंगवा, उस पत्र में लिख दो यदि हमें कालिदास से कमल के पुष्प नहीं मिले तो जितने भी यादव हैं हम सबको जेल में डलवा देंगे, फिर देखें कौन जाता है कालिदास को। पत्र को पाके नंद रोएगा, आंसू बहाएगा, यदि कन्हैया तुम्हारा शत्रु है, यदि वो गया कालिदास में पुष्प लेने तो बेमौत वही मर जाएगा,
यदि पुष्प नहीं मिले तुम्हें तो तुम एक एक को जेल में डलवा देना और एक ही एक को समाप्त कर देना। जब कन्हैया तुम्हारे घर आ जाएगा तब उसे मारने में कितना समय, पत्र भेज दो, दिमाग लगाओ, काम हो गया। अरे कन्हैया को मारने में तुम इतना परेशान हो गए। नारद जी कंस पर भूत चढ़ा दिए, नारायण नारायण करके निकल लिए। नारायण नारायण करके नारद जी निकल गए। अब कंस विचार कर रहा है पत्र लिखवाए। अब यहाँ पर थोड़ा कथा रुकेगी भाई, यहाँ पर कथा रुक रही है। नारद ने कालिदास से कमल के पुष्प मंगवाने को कहा है। कालिदास में कालिया रहता है, इतना विषैला है वो, इतना विषैला है। जहां पर रह रहा है कालिया वहां का जल भी विषैला हो गया। उसके पास में कोई जाता तो बेमौत मर जाता था, इतना जहरीला था कालिया वो। कथा रुकेगी, बताना चाहेंगे ये कालिया कौन था, कालिया रहस्य क्या है, कालिया कौन था, ये वृंदावन में कैसे आया, बड़ी पावन चर्चा है कालिया के जीवन की। कालिया का चरित्र काक भुसुंडी महाराज जी से मिलता है। कालिया का जीवन परिचय काक भुसुंडी महाराज जी से मिलता जुलता है, काक भुसुंडी से मिलता है। क्यों, बड़ी पावन चर्चा है ये कालिया पूर्व जन्म में कौन था, काक भुसुंडी जी कौन थे, ये काक भुसुंडी और कालिया कैसे हुए, बड़ी पावन चर्चा। अरे स्वयंभू मनवंतर में एक, स्वयंभू मनवंतर की बात है। अरे स्वयंभू मनवंतर में एक मुनि भेद सिरा कहलाए थे। मनवंतर में एक मुनि वेद सिरा कहलाए थे। थे तेज निधान बुढ़ी मुनिवर, थे तेज निधान बुढ़ी मुनिवर, रघुवंशी वन प्रगटाए थे। वेद सिरा बिंध गिर पर आश्रम बना के रहे, वही तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे हैं, करें तपस्या बिंध गिर आश्रम सुघर लखाए, और इसी बीच अश्व सिरा ऋषि तपहित पहुंचे जाए। भाई आश्रम बना के वेद सिरा रह रहे हैं बिंध गिर पर्वत पर, इसी बीच में एक अश्वशिरा नाम के ऋषि इसी बिंद गिर पर पहुंच गए। इसी पर्वत पर पहुंच गए तपस्या के लिए अश्वशिरा जी। वेद सिरा बिंद गिर पर्वत का जहां तक क्षेत्र था, बिंद गिर का जहां तक क्षेत्र था, सारे क्षेत्र पर अपना अधिकार समझते थे। उनके सिवा बिंद गिर पर्वत पर और कोई दूसरा नहीं रहता था। ये भाई है विनय दीनानाथ से, और भाई ये हमारे परम आदरणीय सागर यादव भैया के माता जी की ओर से हमारे गले में पुष्पहार समर्पित किया गया है। परमात्मा से विनय है कि भाई इनके जीवन में सुख चैनी बनी रहे, और भाई
इनको भी लाखों पुष्प के हार जीवन में मिले हैं। जब तक इनका जीवन रहे, सुहाग अमर रहे, दीनानाथ से हृदय से निवेदन है, विनय है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बिंदगिर पर्वत का जो भी क्षेत्र था, बिंदगिर का जो भी क्षेत्र था, वेदशिला सारे क्षेत्र पर अपना अधिकार समझते थे, रह रहे थे आश्रम बना के, वही तपस्या करते थे। इसी बीच में अश्वशिला पहुंचे हैं तप करने के लिए, उसी बिंदगिर पर जीव समाधि लेके बैठे, अश्वशिला जीव समाधि लेके बैठे। संयोग रहा इसी बीच वेदशिला अश्वशिला के पास पहुंचे। वेदशिला ने देखा ये हमारे क्षेत्र में ये कहां से आ गया, इसे हमारा ही क्षेत्र मिला तब करने के लिए। गुस्सा हो गए हैं वेदशिला जी अश्वशिला पर, सारा शरीर लाल हो गया, बड़ी बड़ी आंखें निकालने लगे। अरे देखी तपोधन लाल भैया किया, देखी तपोधन लाल भैया किया, देखी तपोधन लाल भैया किया। अरे बाढ़ो क्रोध महान, अरे मुनि कीन्ह बयान, तू सुन ले मेरी, सुन ले मेरी, देखी तपोधन लाल भैया किया, देखी तपोधन लाल भैया किया। सुन ले मेरी, सुन ले मेरी, देखी तपोधन लाल भैया किया, देखी तपोधन लाल लगे हैं वेदशिला अश्वशिला से। अरे मम आश्रम तुम करो तपस्या, दुखी हो परिणाम हो। मम आश्रम तुम करो तपस्या, दुखी हो ही परिणाम हो। अरे मम आश्रम तुम करो तपस्या, अरे दुखद हो परिणाम हो। मम आश्रम तुम करो तपस्या, दुखद हो परिणाम हो। अरे भूखा और छोड़ना मुनिवर, भूखा और छोड़ना मुनिवर, अरे भूमि परी तमाम हो। भूखा और छोड़ना मुनिवर, भूमि पड़ी तमाम हो। कितनी भूमि पड़ी है संसार में, तुम हमारी खोपड़ी पर चले आए। अरे क्या तपयोग्य कहीं भूमि मिली ना, क्या तपयोग्य कहीं भूमि मिली ना, अरे जो आयो यही काम हो। अरे मुक्ति है तू मिली यही क्या धरनिया, मुक्ति है तू मिली यही क्या धरनिया, तू मिली यही क्या धरनिया। पढ़ो क्रोध महान मुनि इन बयान, और सुन ले मेरी, सुन ले मेरी। सिरा ने कहा तुम हमारी घोपड़ी पर चले आए, इतनी जगह पड़ी है, इतनी भूमि है, तुम्हें कहीं तप करने की जगह नहीं मिल पाई। यहां से जाओ, यहां तुम्हारी तपस्या नहीं हो पाएगी। अश्वशिला खड़े हुए काए, थोड़ा दिमाग से बात करो, ये तुम्हारे बाप की भूमि नहीं है,
ये भूमि तुम्हारे बाप की भूमि नहीं है, ये विष्णु की भूमि है, जो जगत के पिता हैं, जिनकी संपत्ति पर हर एक का अधिकार है। तुम अपना अधिकार दिखा रहे हो, सर्प जैसी फुफकार लगा रहे हो। जाओ, तुमने हमें फुफकार दिखाई है व्यर्थ की, इसलिए हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। जाओ, तुम सर्प हो जाओ, तुम सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय बने, जीवन भर अपनी जान को बचाते घूमो। जब इतना कहा, अश्वशिरा ने वेदशिरा से, तो भाई वेदशिरा को भी गुस्सा आ गई। वेदशिरा ने कहा, तुम ऋषि हो, तुम अपने को ऋषि कहते हो, थोड़ी सी बात को लेके तुमने हमें इतना बड़ा श्राप दे दिया, सर्प होने का श्राप दे दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? सुनो, हम भी ऋषि हैं, हम भी ऋषि हैं, हम भी तुमसे कम नहीं हैं, हमारी भी सुनो। वेदशिरा ने कहा है अश्वशिरा से, अरे हूं मैं भी तुमसे कम नहीं, अरे है दिया श्राप किया गम नहीं, अरे मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमान। अरे मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमानी, मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमानी। वेद सिराने का सुनो, हम भी ऋषि हैं, अरे हूँ मैं भी तुमसे कम नहीं, है दिया श्राप किया गम नहीं, मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमानी। अरे मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमानी, मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमानी। तुम्हें अपने इस ऋषि वेश पर शर्म नहीं आई? तुम इतने बड़े स्वार्थी निकले, अपने स्वार्थ को लेके तुमने हमें सर्प होने का श्राप दिया है ना, तो सुनो। अरे अपना काम बनाने की तुम्हें चाहत, 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 अरे कौवे की नाई पृथ्वी पर भागत, कौवे की नाई पृथ्वी पर भागत। जिस तरह से कौवा नहीं होता है, अपने स्वार्थवश संसार में घूमता फिरता है, तुम कौवे से कम नहीं हो। अरे कौवे से हो कम नहीं, अरे कौवे से हो कम नहीं, हो जाओ कौवा कम नहीं, मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमान। अरे मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमानी, मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमानी। वेदशिरा ने कहा, जाओ तुम कौवा हो जाओ, अरे मैं भी तुमसे कम नहीं, है दिया श्राप किया गम नहीं, मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमान। अरे मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमान, मेरी भी सुन लो बानी, बहुत बड़े हो अभिमान। जिस समय इस तरह से ये दोनों ऋषि एक दूसरे को श्राप दिए हैं, परमात्मा अपने को नहीं रोक पाए, क्योंकि ये दोनों परमात्मा के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, परमात्मा अपने को नहीं रोक पाए। होता क्या है, अरे मुनियों की लखी दशा,
न प्रभु रह पाए हैं। अरे मुनियों की लखी दशा न प्रभु रह पाए हैं। अरे मुनियों के आ मध्य विष्णु प्रगटाए हैं। अरे मुनियों की लखी दशा न प्रभु रह पाए हैं। मुनियों के आ मध्य विष्णु प्रगटाए हैं। मुनियों की लखी दशा न प्रभु रह पाए हैं। मुनियों के आ मध्य प्रभु जी प्रगटाए हैं। परमात्मा प्रगट हो जाता है, परमात्मा को रुकने नहीं दिया मुनियों की अंगड़ाई ने। अरे मुनियों की अंगड़ाई हो गई बहुत दुखदाई। अरे मुनियों की अंगड़ाई हो गई बहुत दुखदाई। अरे मुनियों की अंगड़ाई हो गई बहुत दुखदाई। बहुत दुखदाई। श्री हरि ने आज किला सुनाई। परमात्मा ने कहा भाई बड़ा गलत कार्य कर गए तुम दोनों। श्री हरि ने किला सुनाई, ना चिंतित हो मुनि लाई। धैर्य बंधाए हैं, आ धैर्य बंधाए हैं। मुनियों के आमा प्रभु प्रगटाए। अरे मुनियों के लखी दशा न प्रभु जगाए हैं। मुनियों के आमाथ प्रभु जी प्रगटाए हैं। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता न करो, तुम दोनों हमारे लिए बराबर हो। ज्यों भूत समान इस तन हो, वैसे ही तुम दोनों जन हो। जो कुछ समान इस तन हो, वैसे तुम दोनों जन हो। इस प्रकार से हो जाएं बराबर होती शरीर में, वैसे भाई तुम दोनों हमारे लिए बराबर हो। जो भुज समान इस तन हो, वैसे ही तुम दोनों जन हो। जो भुज समान इस तन हो, वैसे तुम दोनों जन हो। अरे निज वाणी हो जाए झूठी, हमारा वचन भले झूठा हो जाए लेकिन तुम सबके वचन है, झूठे तो नहीं हो सकते। अरे निज वाणी हो जाए झूठी, पर झूठा कभी न जन हो। ये रीति लखाए हैं, मुनियों के आमाथे प्रभु प्रगटाए। परमात्मा ने वेद सिरा से कहा सुनो भाई, तुमको अश्वसिरा ने सर्प होने का श्राप दिया है और बताया है गरुण से भय बना रहेगा, तो सुनो तुम सर्प होगे, तुम सर्प होगे, हमारा चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर होगा, हमारा चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर होगा, तुम्हारा गरुण कुछ नहीं बिगाड़ेगा, चिंता न करो। सर्प तो होना पड़ेगा लेकिन हमारा पदचिन्ह तुम्हारे मस्तक पर होगा, तुम्हारा गरुण कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। अश्वसिरा ने अश्वसिरा से भगवान ने कहा देखो भाई, तुम्हें कौवा बनना पड़ेगा क्योंकि वेदशिरा का श्राप है तुम्हारे लिए, कौवा तुम बनोगे। लेकिन तुम इतने ज्ञानी होगे, इतने ज्ञानी होगे, तुम्हारे नाम का संसार गुण गाएगा। ऐसा परमात्मा इन दोनों ऋषियों को वरदान दिए हैं। वरदान देने के बाद में, धैर्य बंधाने के बाद में दीनानाथ अंतर्ध्यान हुए हैं। समय आने पर यही वेदशिरा और अश्वशिरा अपने अपने श्राप को लेके प्रकट आए हैं। जो अश्वशिरा थे वो भाई वेदशिरा के श्राप से कौवा बने, कौवा बने। और ये बने कहां कौवा?
अरे भय है काग भूसुंडी आई। ये वही अससिरा है जिनको वेदशिरा ने साप दिया काग भूसुंडी बने। अरे भय है काग भूसुंडी आई, अरे अससिरा मुनि राई भय है काग भूसुंडी आई। पर्वत हर साई रहे नील पर्वत हर साई रहे नील पर्वत हर साई। अरे राम चरण लो लाई भय है काग भूसुंडी आई। महात्मा को कथा सुनाई महात्मा को कथा सुनाई। भाई ये वही काग भूसुंडी हैं जिन्होंने करुण महात्मा को कथा सुनाई। इतने ज्ञानी इतने महान हुए हैं काग भूसुंडी महाराज। अरे करुण महात्मा को कथा सुनाई महात्मा को कथा सुनाई कथा सुनाई कथा सुनाई अरे कथा सुनाई कथा सुनाई। अरे रामायण की गाई भय है काग भूसुंडी आई। रामायण की गाई भय है काग भूसुंडी आई। रामायण की गाई भय है काग भूसुंडी आई। इस तरह से भाई अससिरा काग भूसुंडी बन के जग में ख्याति पाए। वो वेदशिरा कहां प्रगटाया है। अरे महर्षि कश्यप कहलाए, एक कश्यप ऋषि थे। अरे महर्षि कश्यप कहलाए और 11 सुता दक्ष की पाए। कश्यप कहलाए 11 सुता दक्ष की पाए। महर्षि कश्यप कहलाए 11 सुता दक्ष की पाए। महर्षि कश्यप कहलाए 11 सुता दक्ष की पाए। कश्यप ने दक्ष की 11 बेटी पाई है। इन सब में जो कद्रु थी वो सबसे बड़ी थी। यही कद्रु सर्पों की माँ हुई है। यही कद्रु सर्पों की माँ हुई है। समय आने पर वेदशिरा इसी कद्रु के द्वारा प्रगटाए हैं। इनका नाम कालिया पड़ा है। यही कालिया नाम से जाने गए। ब्रह्मा जी ने सर्पों को रहने के लिए स्थान दे दिया रमणक द्वीप। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जितने भी सर्प हैं सब रमणक द्वीप पर जाकर रहेंगे। ये जितने भी सर्प इन सब की उत्पत्ति कद्रु से। कश्यप की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था बनिता, बनिता के द्वारा दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम गरुण और दूसरे का नाम अरुण रहा। गरुण जी भाई भगवान विष्णु के वाहन बने
इनके द्वारा कोई संतान नहीं हुई, इनका वंश नहीं चला। जो अरुण थे, अरुण के द्वारा दो संतानें हुई, संपाति और गिधराज। संपाति और गिधराज, तो जो गिधराज थे, जो जटायु हुई है, सभी लोग जानते हैं कि भाई सीता हरण के समय में रावण से सीता को बचाने की कोशिश की है। ये गरुण जब थोड़ा सा आने हुए हैं, तो भाई ये रमणक द्वीप पर आने जाने लगे। रमणक द्वीप पर जाते हैं और जाके रमणक द्वीप पर एक गरुण जी सर्पों का संहार करने लगे, सर्पों को मारने लगे। आए दिन का नियम हो गया गरुण जी का, रमणक द्वीप पर जाते हैं, सर्पों को विचार करते हैं, यदि गरुण जी ऐसे सर्पों को मारते रहेंगे तो एक दिन हम सबका वंश नष्ट हो जाएगा, एक दिन हम सबका वंश नष्ट हो जाएगा। ये जब विचार किए, संयोग रहा गरुण जी पहुंचे, गरुण जी पहुंचे रमणक द्वीप पर, तो जितने भी सर्प थे वो गरुण जी से विनय करने लगे हैं। क्या विनय कर रहे हैं सर्प? अरे विनय तुमसे मेरी, अरे गरुण जी आज हम सब आपसे कुछ विनय कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। सबके सब बोल पड़े हैं, अरे विनय तुमसे मेरी, दृष्टि दो निज फेरी, करिए विनय सोई कार। विनय तुमसे मेरी, हो तुम ही मम आधार, विनय तुमसे मेरी, दृष्टि दो निज फेरी, करिए विनय स्वीकार। अरे हो तुम ही मम आधार, विनय तुमसे मेरी, दृष्टि दो निज फेरी, करियो विनय स्वीकार। अरे हो तुम ही मम आधार, विनय तुमसे मेरी, दृष्टि दो निज फेरी, करियो विनय स्वीकार। सर्पों ने कहा, हे गरुड़ जी, आप जिस तरह से रमणक द्वीप पर आकर के सर्पों को नष्ट कर रहे हैं, यदि आप ऐसे ही करते रहे तो हम सबका एक दिन वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम सब तुमसे विनय कर रहे हैं। अरे पृथक पृथक हर घर से, अरे पृथक पृथक हर घर से, प्रत्येक मास एक बारी, सर्प की बल लो, एक सर्प की बल लो, जाओ तुम पे बलिहारी। एक सर्प की बल लो, जाओ तुम पे बलिहारी। हे गरुण जी, महीने में एक बार अलग अलग घर से आपको एक सर्प मिलेगा। अर्जी यही तुमसे बार बार है, विनय तुम्हारी, ये विनय तुमसे मेरी, दृष्टि मेरी, करिए विनय स्वीकार। अरे हो तुम ही मम आधार, विनय तुमसे मेरी, दृष्टि रोनी मेरी, करियो विनय स्वीकार। अरे तुम ही हो मम आधार, विनय तुमसे मेरी, दृष्टि रोनी फेरी, करियो विनय स्वीकार। हर घर से आपको महीने में एक बार एक सर्प मिलेगा। सर्प ही नहीं, सर्प के साथ साथ में तुमको भाई अन्न भी दिया जाएगा। लेकिन महीने में एक बार एक घर से एक सर्प आप लें,
भाई गरुण ने कहा ठीक है हमको भोजन मिलना चाहिए, ऐसे ही कर लो, जैसी तुम लोगों की इच्छा ऐसे ही कर लो, हम आते रहेंगे हर घर से एक सर्प लेते रहेंगे। भाई शर्त हो गई, गरुण जी मान गए सर्पों की बात को। गरुण जी क्रम से रमणक द्वीप पर पहुंचते हैं, क्रम से पहुंच रहे हैं, हर घर से एक सर्प ले रहे हैं और साथ में इनको अन्न भी दे रहे हैं सर्प। भाई जिसकी बारी आती है वो अपने घर से एक सर्प दे देता है गरुण जी को और साथ में अन्न देता है, एक सर्प देता है और साथ में अन्न देता है। सबने अपने वादे को निभाया, इसमें से जो कालिया रहा, जब कालिया का नंबर आया, जब कालिया का नंबर आया तो जो गरुण को दे दी जाने वाली बलि थी उसका कालिया स्वयं भक्षण कर गया, उस बलि का कालिया भक्षण कर गया। जब काली का नंबर आवा और गरुण बलि का आहार बनावा, गरुण बलि खुद खा गया कालिया। अब भाई नंबर आया, गरुण जी पहुंचे कालिया के पास में, कालिया के पास में पहुंचे, कालिया से कहने लगे भाई हमारी बल लाओ, सर्प लाओ, हमारा कहां है हमारा अन्न। कालिया मुस्कुराया कहा अच्छा हमसे बल लोगे तुम, हमसे बल लोगे, कुछ नहीं है यहां तुम्हारे लिए, कुछ नहीं है, जो भी था हम खा गए, जो भी था हम खा गए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। जब ऐसी बात सुने कालिया की तो भाई गरुण जी गुस्सा हुए, गरुण गुस्सा हो गए, अरे दशा देख कर यह काली की गरुण रोष में आए हैं, आते ही काली के ऊपर अरे चोंच चलाए हैं, वार कर दिए गरुण जी, कहने लगे नीच कहीं के हमारी बल हमको नहीं देगा तू, अरे चोंच चलाए हैं, कालिया संभल न पाया है, अरे उसने होश गंवाया है, कालिया न पाया है कि उसने होश गंवाया है, कालिया संभल न पाया है कि उसने होश गंवाया है, अरे दशा देख कर यह काली की करुण दोष में आए हैं, अरे आते ही काली के ऊपर चोंच चलाए हैं, कालिया सफल न पाया है कि उसने होश गंवाया है, कालिया सफल न पाया है कि उसने होश गंवाया है। गरुण जी ने कालिया को चोंच लगाई, कालिया मूर्छित हो गया। कालिया मूर्छित होता है, थोड़ी देर बाद उसे होश आया, फिर उठा है कालिया, अरे मूर्छित होकर उठा कालिया, अरे अपने सौ फण फैलाया, सौ फण से खा लिया के सौ फण, अरे मूर्छित होके उठा कालिया, अपने सौ फण फैलाया, अरे अपने जहरीले दांतों से गरुण को उसने डस खाया, अरे मूर्छित होके उठा कालिया, अपने दो फन फैलाया, जो कालिया ने गरुण को डंक लगाया अपना, गरुण कहां मानने वाले, गरुण ने किया क्या, झट गरुण ने चोंच से पकड़ा है, झट गरुण ने चोंच से पकड़ा है, अरे झट गरुण ने चोंच से पकड़ा है, झट गरुण ने चोंच से
पकड़ा है, उसको कायदे से जकड़ा है, उसको कायदे से जकड़ा है। करुण जी मजबूती से पकड़ लिए कालिया को, पकड़ने के बाद में किए क्या, फिर पटकी लगाए हैं, पटक दिए जमीन पर, फिर पटकी लगाए हैं। अरे आते ही काली के ऊपर चोंच चलाए हैं, कालिया संभल ना पाया है कि उसने होश गंवाया है, कालिया संभल ना पाया है कि उसने होश गंवाया है, कालिया संभल ना पाया है कि उसने होश गंवाया है। गरुड़ जी कालिया को जमीन पर पटक दिए, जमीन में पड़ा है कालिया। अब गरुड़ जी उसके ऊपर सवार हो गए, गरुड़ जी उसके ऊपर सवार हो गए, पांखों से पीटने लगे। अरे पांखों से रह पीट गरुड़ जी, काली ने मौका पाया, कालिया को मौका मिला होता क्या है। अरे गरुड़ चोंच से निकल कालिया, पांखों से है लिपटाया, काली ने मौका पाया, करुण चोंच से निकल कालिया, पांखों से है लिपटाया, पांखों से है काली ने मौका पाया, करुण चोंच से चोट कालिया, पांखों से है लिपटाया, पांखों से कालिया लिपट गया। करता क्या है, हुंकार लगाना शुरू किया, हुंकार लगाना शुरू किया, हुंकार लगाना शुरू किया, हुंकार लगाना शुरू किया, पांखों को खींचना शुरू किया, पांखों को खींचना शुरू किया, पांखों को खींचने लगा है कालिया। तो होता क्या है, कौतुक दिखलाए हैं, इसी बीच में कौतुक होता है मेरे भाई, कौतुक दिखलाए हैं। अरे आते ही काली के ऊपर चोट चलाए हैं, कालिया संभल ना पाया है कि उसने होश गंवाया है, कालिया संभल ना पाया है, कौतुक क्या हुआ। गरुण और कालिया की लड़ाई में कौतुक क्या हुआ है, भक्त ध्यान देंगे। अरे गरुण पांख से दो पंछी निकले, इस युद्ध में एक अचंभा हुआ है, गरुण की पांख से दो पंछी निकल पड़े। अरे गरुण पांख से दो पंछी निकले, लीला दर्शाती है, नीलकंठ मयूर कहाए, एक नीलकंठ मयूर, अरे नीलकंठ मयूर कहाए, गरुड़ की खध की छाती है, पांख से दो पंछी निकले, विधि लीला दर्शाती है, अरे नीलकंठ मयूर कहाए, करुण की धध की छाती है, अरे करुण पंछी दो पंछी निकले, विधि लीला दर्शाती है, अरे नीलकंठ मयूर कहाए, करुण की धध की छाती है। करुण गुस्सा हुए, गुस्सा हो गए गरुड़ जी,
पुनः चोंच से काली को पकड़ा है, पुनः चोंच से काली को पकड़ा है, अरे पुनः चोंच से पकड़ा काली को, पुनः चोंच से पकड़ा काली को, अरे है कस के जकड़ा काली को, है कस के जकड़ा काली को, फिर पटकी लगाए है काली को, फिर से करो जी पटक दिए जमीन पर, खूब पटकी लगाए हैं, अरे आते ही काली के ऊपर चोट चलाए हैं, कालिया समझ न आया है ओसला माया है, कालिया समझ न पाया है उसने हो आया है, कालिया समझ न पाया है उसने हो आया है। गरुड़ ने फिर से पटक दिया जमीन पर कालिया को, मौका पाता है काली गरुड़ से छूट पाता है, भाग पड़ा है, भाग पड़ा है काली, अरे भागा काली जान बचाई, और पीछे लगे गरुड़ रिस खाई, भागा काली जान बचाई, पीछे लगे गरुड़ रिस खाई, भागा काली जान बचाई, पीछे लगे गरुड़ रिस खाई, अरे भागा काली जान बचाई, भागा काली जान बचाई, पीछे लगे गरुड़ ने सखाई, भागा काली जान बचाई, पीछे लगे गरुड़ ने सखाई। आगे आगे काली भाग रहा है, गरुड़ जी उसका पीछा करते हुए चले जा रहे हैं, जहां जहां कालिया जा रहा है गरुड़ जी पीछे पीछे वहीं पहुंच रहे हैं। कालिया सप्त दीपों पे गया है, गरुड़ जी वहां भी पहुंचे, कालिया सात खंडों में गया, गरुड़ जी वहां भी पहुंचे, कालिया सात समुद्रों तक गया, गरुड़ जी वहां भी पहुंचे, जहां जहां कालिया जा रहा है गरुड़ कालिया का पीछा करते जा रहे हैं। कालिया भूर लोक भूवर लोक स्वरलोक महारलोक में क्रमशः जा के अपने को बचाना चाहता है, लेकिन गरुड़ जी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आगे आगे काली, पीछे से गरुड़ जी, बचने का मौका नहीं मिल रहा है कालिया को। अरे जहां जहां भी गया कालिया, जहां जहां भी गया कालिया, कहीं न बचने पाया है, अरे तब भय से व्याकुल हो काली शेष शरण में आया है, भय से व्याकुल हो काली शरण में आया है, तब भय से व्याकुल हो काली शेष शरण में आया है। जहां भी कालिया जाता है अपनी बात रखता है तो सब भाई काली को मना कर देते हैं, कौन बैर ले गरुड़ जी से, भगवान विष्णु के वाहन है आखिर, कोई गरुड़ जी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता, सब सीधे मना कर देते थे कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। अब तो परेशान होके कालिया शेष भगवान की शरण में गया है। अरे जहां जहां भी गया कालिया, कहीं न बचने पाया है, तब भय से व्याकुल हो काली नतमस्तक हो बोला पानी, नतमस्तक हो बोला पानी, प्रभु सबके हो हितकारी, बचा लीजिए जान गरुण से पीछे पड़ा बलंकारी, अरे बचा लीजिए जान गरुण से पीछे पड़ा बलंकारी, बचा लीजिए जान गरुण से पीछे पड़ा बलंकारी। कालिया ने कहा
हे शिष्य भगवान हमारे पीछे गरुण पड़ा है, गरुण से मेरे प्राणों की रक्षा करो, गरुण से हमें बचा लो। शिष्य ने कहा है कालिया से, देखो ये सत्य है कालिया, तू गरुण से नहीं बच पाएगा क्योंकि गरुण से कोई बैर नहीं लेगा, वो भगवान विष्णु के वाहन है, तू एक ही जगह बच सकता है। तू यदि वृंदावन चला जाए, वृंदावन तू यदि चला जाए तो तेरे प्राण बच जाएंगे। कालिया ने हाथ जोड़ के कहा, अरे प्रभु काहे हमें बहका रहे हो, हम सारी जगहें घूम आए कहीं हम नहीं बच पाए, तो वृंदावन में ऐसा क्या है जो हम वहां जाके बच जाएंगे। शेष ने कहा, हम तुम्हें बहका नहीं रहे हैं, हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं, तुम यदि वृंदावन जाओ तो बच सकते हो, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कालिया बड़ा निराश होता है, बड़ा दुखी होता है, ज्यादा दुखी देखें कालिया को तो शेष जी कहने लगे, सुनो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, तुम समझ रहे हो हम तुम्हें बहका रहे हैं, हम तुम्हें बहका नहीं रहे हैं, हम तुम्हें सही बता रहे हैं, सुनो किस लिए वृंदावन नहीं जाएगा गरुण। बताने लगे हैं शेष जी काली को, कहने लगे सुनो पहले समय की बात है, अरे पूर्व काल सौ भरी मुनिराई और वृंदावन तपतियो अधिकारी, भारी मुनिराई पूर्व काल सौ भारी मुनिराई वृंदावन तप कियो अधिकारी, कालिया से कहा सुनो पूर्व काल में सौभर मुनि ने वृंदावन में यमुना जल में 10,000 वर्ष तपस्या की, 10,000 वर्षों तक सौभर मुनि ने वृंदावन के यमुना जल में अपने को तपाया। इसी बीच में उस जल में मीनराज विहार कर रहा था। सौभर मुनि ने देखा है मीनराज को विहार करते हुए, तो सौभर मुनि विचार किए, भाई यदि हमारे परिवार होता तो हम भी अपने परिवार के साथ में विहार करते, तो कहने लगे शेष जी कालिया से, सुनो तो किए क्या सौभर मुनि, अरे देख बिहार जल मीन राज का मुनि मन करें विचार, अरे हम हो बिहार करें हो वही हमारे हो घर कालिया, मीनराज को बिहार करते जब देखे हैं सौभर मुनि तो विचार किए, अरे हम हो बिहार करें हो वे हमारे घर बार, ऐसा भाव बना सौभर मुनि को तो किए क्या है, अरे यही सोच जिसने विवाह झटकी ना है, अरे मान धाता की सौ पुत्री बरली ना है,
भगवान माता की सौ बुद्धि बड़ी लीना है। सौ भर मुनि ने मान माता की सौ बेटियों के साथ में अपना विवाह किया, एक नहीं सौ सौ रानी हो गई सौ भर मुनि के। अरे हरि ने दी संपत्ति वैष्णवी, हरि ने दी संपत्ति वैष्णवी, अरे ऋषि मन खुशी अपा, हमहू बिहार करें हो वही हमारू का। भाई सौभद्र मुनि ने मानधाता की सौ बेटियों के साथ में अपना विवाह किया। इसी तपस्या के समय के बीच में एक और घटना घटित होती है सौभद्र मुनि के सामने। वो घटना कौन सी घटित होती है, शेष जी बता रहे हैं, कालिया को समझा रहे हैं। अरे मुनि सौभारी की यमुना जल, मुनि सौभारी की यमुना जल, तपस्या चल रही जिस बन करुण ने जाए कर में